हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे साथ सीख रहे हैं एडोब लाइटरूम। लाइटरूम के अंदर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेसिक एडजस्टमेंट्स के बारे में, किस तरह से आप कर सकते हैं लाइट बैलेंस, एक्सपोजर बैलेंस वगैरह वगैरह। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, ये हमारे पास में लाइट रूम है और इस लाइट रूम के अंदर देखिए यहाँ पर मैं कुछ फोटो लेके आया हूँ। डेवलप मॉड्यूल के अंदर इन फोटो को लेके जा रहे हैं, जैसे कि डी दबाएंगे डेवलप मॉड्यूल के अंदर आगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था इसके बारे में। और यहाँ पर राइट साइड के अंदर जब आप देखेंगे तो बेसिक नाम से एक जो पैनल है, इसके अंदर बेसिक एडजस्टमेंट है और इसके अंदर बेसिक कलर एडजस्टमेंट भी है, ब्लैक एंड व्हाइट भी है। ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में बाद में बात करें। यहाँ पर देखिए कलर एडजस्टमेंट है और इनके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहला इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है व्हाइट बैलेंस का। ये जो आप फोटो देख रहे हैं वो फोटो, और नीचे जो मैं दो फोटो और लेके आया हूँ, ये फोटो है .NEF निकोन के कैमरा से निकाली हुई रॉ फोटो है। और रॉ इमेज के अंदर जब व्हाइट बैलेंस आप कैमरे के अंदर से सेट करते हैं, आप जब कैमरे से फोटो निकालते हैं वहां पर भी व्हाइट बैलेंस का ऑप्शन होता है। और उसके अंदर कुछ इस तरह के ऑप्शन रहते हैं, डे लाइट, क्लाउडी, सेट, ये इस तरह के फ्लैश वगैरह के, इस तरह के ऑप्शंस उसके अंदर होते हैं। अगर आपने रॉ फोटो निकाली है और वहां से आपने सही ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया हुआ होगा, जैसे कि डे लाइट आपको करना चाहिए था और क्लाउडी आपने सिलेक्ट कर लिया, या आपने वहां पर जो भी सिलेक्ट कर लिया हो उसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर डे लाइट सिलेक्ट करना है तो मैं डे लाइट करूंगा। एक बार आप दोबारा इस बात को ध्यान से सुने, ये फोटो रॉ फोटो है, .NEF फोटो है। कैमरे के अंदर DSLR के अंदर ऑप्शन होता है .NEF का वगैरह का, रो फोटो निकालने का। और कैनन का अगर आपके पास कैमरा होगा तो उसके अंदर CR2 का ऑप्शन होगा। तो ये रो इमेज होती है और वो रो इमेज के अंदर ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इन ऑप्शंस को। अदरवाइज आपको ये ऑप्शंस यहाँ पर नहीं मिलेंगे। एज शूट, ऑटो और कस्टम, ये तीन ही ऑप्शन मिलेंगे जब आप JPG के ऊपर वर्क करेंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पर कोई फोटो ले रहे हैं, जैसे ये JPG फोटो है, डेवलप मॉड्यूल के अंदर में आपको एज शूट, ऑटो और कस्टम, ये तीन ऑप्शन मिलेंगे क्योंकि फोटो JPG है। तो रो इमेज होती है इसीलिए होती है क्योंकि उसके अंदर कई सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो हमारे काम के ऑप्शन होते हैं, उनको हम यूज में ले सकते हैं। और रो इमेज फोटो शूट करना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो यहाँ पर देखिए आप बाद में यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा एक ऑप्शन है व्हाइट बैलेंस सेट करने का। यहाँ पर आप एक पिकर देख सकते हैं, व्हाइट बैलेंस सिलेक्टर है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, W इसका शॉर्टकट है अदरवाइज। और यहाँ पर फोटो के अंदर कोई भी न्यूट्रल वैल्यू जो है वो आप सिलेक्ट करें, यानी कि ग्रे कलर जो फोटो के अंदर जहाँ कहीं भी आपको नजर आ रहा है उसे सिलेक्ट करें। ये जो मैं जैसे इधर उधर लेके जा रहा हूँ, पिक ए टारगेट न्यूट्रल, साथ साथ में ये जो कुछ कलर्स एक साथ में घूम रहे हैं इनके नीचे RGB परसेंटेज के अंदर दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर है R की वैल्यू 55.1, जी की वैल्यू 55.6 और बी की वैल्यू 59.2 है। तो ये वैल्यू परसेंटेज के अंदर है, तो यानी कि ग्रे कलर अगर आपको कहीं सिलेक्ट करना है तो आप कोशिश ये करें कि तीनों की वैल्यू यहाँ पर 50-50% हो। तो तीनों की 50-50% होगी वहां पर एग्जैक्ट ग्रे कलर होगा। मतलब आप कोशिश करें उसके आसपास की, अगर 50% नहीं है, थोड़ा सा 51 या 49, 48 या 52 है आसपास, तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोशिश करें कोई ग्रे कलर, प्योर व्हाइट या ब्लैक सिलेक्ट ना करें। तो जैसे कि मैं यहाँ से कोई कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर ग्रे कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके आसपास की वैल्यू है, तो ये मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करते ऑटोमेटिक इसके अंदर व्हाइट बैलेंस जो है वो सेट हो जाएगा। और इसके अलावा आगे देखिए, आगे जो ऑप्शन है व्हाइट बैलेंस का ये हो गया। उसके बाद टेम्परेचर और टिंट के ऑप्शन है। आप फोटो के अंदर टेम्परेचर कम या ज्यादा अगर करना चाहते हैं तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ज्यादा करेंगे तो फोटो के अंदर ज्यादा टेम्परेचर नजर आएगा, कम करेंगे तो एकदम टेम्परेचर कम आएगा। विंटर में फोटो जैसे निकाली हुई होगी वैसे उस तरह से लगेगी। उसके बाद यहाँ पर टिंट का ऑप्शन है, इससे भी आप अच्छा लुक दे सकते हैं कलर्स को। उसके बाद में आगे है टोन के लिए, तो ये सभी टोन के लिए है। इनके अंदर आगे राइट साइड में यहाँ पर ऑप्शन है ऑटो के लिए, तो आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक टोन एडजस्टमेंट हो जाएगी। और ये हमने जो टिंट के लिए सिलेक्ट किया था +75, इसको वापस उसी जगह पर करना है इसके अंदर, क्योंकि पिंक कलर ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो डबल क्लिक करेंगे किसी को रिसेट करने के लिए, जैसे टिंट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर, जैसे डबल क्लिक वापस नॉर्मल जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर हमने ऑटो सिलेक्ट कर दिया है और इसके अंदर कई सारे ऑप्शन है एक्सपोजर के। आप एक्सपोजर को यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं एक्सपोजर का भी। तो हम थोड़ा सा इस फोटो के अंदर एक्सपोजर बढ़ा देते हैं और उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट
कम करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज्यादा करने के लिए, और उसके बाद में हाईलाइट ऑप्शन। हाईलाइट का क्या करता है, जैसे कि किसी भी पार्ट के अंदर ज्यादा, अगर जैसे कि यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा हाईलाइट पार्ट नजर आ रहा है, तो आप इसे इस तरह से कम करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी डिटेल फिर से नजर आएगी। अदरवाइज आप हाईलाइट फोटो के अंदर पार्ट बढ़ाना चाहते हैं तो इसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हाईलाइट पार्ट को थोड़ा कम कर देता हूँ। इसी तरह से शेडो पार्ट, शेडो पार्ट को आप कम करेंगे यहाँ पर, जैसे मैं कम करूंगा तो यहाँ पर थोड़ा शेडो और ज्यादा शेडो हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा बढ़ा रहा हूँ ताकि शेडो पार्ट भी यहाँ पर लाइट हो जाए। अब देखिए शेडो पार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, इस पार्ट के अंदर कुछ डिटेल आपको फोटो की नजर नहीं आ रही, लेकिन अब आप इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर नजर आ जाएगी, तो थोड़ा हम शेडो बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में जो दो ऑप्शन है वो है व्हाइट बैलेंस। व्हाइट बैलेंस आप बढ़ाएंगे तो फोटो के अंदर देखिए व्हाइटनेस इस तरह से आएगी, कम करेंगे तो इस तरह से कम होगी। तो ये जो नॉर्मल है उससे मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसके अंदर व्हाइट बैलेंस। और उसके बाद ब्लैक, ब्लैक पार्ट आप किस तरह से प्योर ब्लैक जो पार्ट है उसको कम करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं, इन सब को आप इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए फोटो, उसके बाद में ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद आगे है प्रीसेंस के अंदर क्लियरिटी ऑप्शन है। आप कम करेंगे तो फोटो के अंदर क्लियरिटी कम होगी और इस तरह से थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट फिर नजर आएगी, लेकिन इससे अच्छा है फिर आप क्लियरिटी अगर आप बढ़ाएंगे तो फोटो के अंदर और ज्यादा क्लियरिटी डिटेल नजर आएगी। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने फोटो के अंदर क्लियरिटी बढ़ाई। उसके बाद दो ऑप्शन है विब्रेंस और सेचुरेशन। दोनों में क्या फर्क है, सेचुरेशन जो है वो एब्सोल्यूट वर्क करता है और विब्रेंस जो है रिलेटिव है। जैसे आप वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे तो देखिए फोटो के अंदर स्लोली स्लोली जहां पर जो कलर है वही इस तरह से यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप सिचुएशन बढ़ाएंगे तो वो कलर एब्सोल्युटली यहाँ पर इंक्रीज होंगे। अगर आप सिचुएशन को जीरो माइनस 100% तक लेके आएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, पूरी तरह से फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, फोटो पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट कलर के अंदर आ जाएंगे कलर जो है। और वाइब्रेंस के अंदर आप जीरो तक आएंगे तो भी फोटो पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगी, तो बहुत ही नाइस लुक नजर आ रहा है अभी फोटो का, बहुत अच्छा लुक नजर आ रहा है। तो आप इस तरह से इनको कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि इसको थोड़ा बढ़ाना है, इसको इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको भी थोड़ा सा, तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और फोटो के अंदर ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद में आप अगर कीबोर्ड से बैकस्लैश दबाएंगे, जैसे मैं दबा रहा हूँ, तो ये बिफोर और ये आफ्टर आपको इस तरह से फोटो नजर आएगी। ये बिफोर है, ये आफ्टर है, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ये मैंने आपको बेसिक एडजस्टमेंट कुछ बताए हैं फोटो के अंदर आप किस तरह से कर सकते हैं। सेम इसी तरह से मैं आपको एक फोटो और है जिसके अंदर बता देता हूँ, ज्यादा आपको आसानी से पता चलेगा। अब इस फोटो के अंदर देखिए यहाँ पर थोड़ा डार्क पार्ट है, वहां पर व्हाइट पार्ट है। इसके अंदर मैं पहले व्हाइट बैलेंस सेट कर लेता हूँ, देखते हैं कहीं पर जहां पर 50% के आसपास ग्रे कलर नजर आएगा, उसको सिलेक्ट करेंगे। व्हाइट बैलेंस सेट करने के बाद में आप इसके अंदर एक्सपोजर कम या ज्यादा कर सकते हैं और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देंगे और हाईलाइट पार्ट इसके अंदर कम कर देंगे, यहाँ से ज्यादा लाइट आ रही थी, शेडो के अंदर थोड़ा बढ़ा देंगे। जैसे मैं बढ़ाऊंगा यहाँ पर जो डार्क पार्ट नजर आ रहा था, शेडो जहाँ पर थी वहां पर दिखाई देने लग गया है, पहले जो डिटेल नहीं दिखाई दे रही थी। व्हाइट बैलेंस इसके अंदर थोड़ा कम करेंगे और थोड़ा ब्लैक पार्ट, ब्लैक एरिया जो है व्हाइट इंक्रीज करेंगे तो ब्लैक पार्ट जो व्हाइट की तरफ जाएगा, कम करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा और ब्लैक इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद में क्लियरिटी इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं फोटो की, और कॉन्ट्रास्ट कम या ज्यादा करते हुए आप फोटो को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। सेचुरेशन ये बढ़ा दिया या इसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। अब आप इस फोटो को बिफोर आप देख सकते हैं, ये बिफोर है और ये आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ये भी फोटो रो इमेज है, डॉट एन ई एफ है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो के नाम के आगे डॉट एन ई एफ लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको आगे बता रहा हूँ कुछ और ऑप्शन है। हिस्टोग्राम में अगर आप जाएंगे तो हिस्टोग्राम के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से कलर्स नजर आ रहे हैं फोटो के अंदर, जो एक्सपोजर है वो बता रहा है और एफ पॉइंट कितना रहा जब फोटो निकाली, आईएसओ 100 है इसके अंदर, 52 mm के ऊपर फोकल लेंथ की फोटो निकाली गई है, 1/800 सेकंड इसकी शटर स्पीड है, फोटो थोड़ी दूर से और निकाली हुई है, हिलता हुआ था कैमरा उस वजह से शटर स्पीड इसके अंदर ज्यादा रखी गई। तो इस सिचुएशन के अंदर आप जब ऊपर जाएंगे इंस्टोग्राम के अंदर जो ऑप्शन कलर्स जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आप जब जाएंगे तो
आप इनके अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ तो देखिए माउस का चिन्ह जहां जहां पर मूव हो रहा है कुछ हाईलाइट पार्ट ऑटोमेटिकली नजर आ रहा है और नीचे वहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। जैसे यहाँ पर ब्लैक पार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लैक पार्ट इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए कह रहे हैं। और यहाँ पर मैं जैसे जाऊँगा तो शेडो, ये शेडो पार्ट है, आप शेडो को कितना लाइट करके दिखाना चाहते हैं, कम करके दिखाना चाहते हैं, इस तरह से आप डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हिस्टोग्राम के अंदर भी कुछ इस तरह के ऑप्शन है। और अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट की बात करें तो देखिए अगर कलर, ये है कलर और एक ये ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन यहाँ पर ट्रीटमेंट के अंदर है दोनों। तो अभी ब्लैक एंड व्हाइट हाईलाइट नहीं है, क्लिक करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट के लिए कुछ ऑप्शन जो है इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कि वाइब्रेंस और सेचुरेशन इसके अंदर इनएक्टिव है क्योंकि इनका काम नहीं है यहाँ पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये कलर के अंदर आ रहा है डायरेक्ट, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर इनकी जरूरत नहीं है। बाकी सारे जो एडजस्टमेंट है उनको आप कर सकते हैं। तो क्लियरिटी इंक्रीज डिक्रीज करके आप बहुत अच्छी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो यहाँ पर इस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये थे बेसिक एडजस्टमेंट। बेसिक एडजस्टमेंट के बाद में आगे और भी खूब सारे ऑप्शन है जिनके बारे में आगे के वीडियोज के अंदर आपको बताऊंगा। एक और फोटो है यहाँ पर मैं लेके आया था एग्जाम्पल आपको देने के लिए, सेम उस तरह की है, इसके अंदर भी आप इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हाईलाइट कम करेंगे इसके अंदर, शेडो थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर देते हैं और थोड़ा वाइब्रेंस इंक्रीज कर देते हैं और वाइट बैलेंस कम कर देते हैं, थोड़ा ब्लैक कर देते हैं। तो बस फोटो इस तरह से, ये बिफोर और ये आफ्टर। और यहाँ से थोड़ी सी क्लियरिटी हम बढ़ा सकते हैं, देखिए थोड़ी सी क्लियरिटी और बढ़ाएंगे, फोटो इस तरह से आपकी तैयार हो जाएगी। और भी खूब सारे एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे आपकी कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। इसके अलावा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे Adobe Lightroom, Lightroom के अंदर किस तरह से आप फोटो के अंदर इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी मैं नए वीडियोस डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिलेगा और आप मेरे पुराने वीडियो से भी कनेक्टेड रहेंगे। आप मेरे चैनल के ऊपर आकर के वीडियो टैब के अंदर, प्लेलिस्ट टैब के अंदर मेरे फोटोशॉप के, प्रीमियर प्रो के, लाइटरूम के और फोटोशॉप टिप्स के वगैरह के वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद में आप इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर Adobe Lightroom के। थैंक यू।